जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वीकेंड है और गुड मॉर्निंग है आप लोगों के लिए। तो मॉर्निंग में हमारी जो रूटीन होती है, हम कॉफ़ी पीते हैं और कोई ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, नट्स ले लेते हैं। हमारे घर की बनाना ब्रेड होती है, तो मैंने सोचा कि आज हम जो है ना नाश्ता इकट्ठे करते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ और साथ कप सब्जी होती है। तो ये हमारा कॉफ़ी मेकर है। मेरे पास कॉफ़ी हम डिफरेंट किस्म की यूज़ करते हैं। ये डेविडॉफ की रिच अरोमा है, ये एस्प्रेसो 57 इंटेंस है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं डेविडॉफ की। ये फाइन अरोमा की है तो आज ही हम यूज़ करेंगे। तो कॉफ़ी मेकर में हम आमतौर पे दो लोग हैं, तो हम 2 से 3 कप बना लेते हैं और फिर ये इस्तेमाल होते हैं। पानी इसके यहाँ पे डाल देते हैं। तो फ़र्क होता है टेस्ट का, जो मशीन के ज़रिए ब्रू होती है और जो ख़ुद बनाते हैं उसमें काफ़ी टेस्ट का फ़र्क होता है। तो हमने पानी डाल दिया और अब हम अंदाजे से फिल्टर में दो चम्मच कॉफ़ी के डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच ऐसे क्लोज कर देते हैं। बाकी काम मशीन खुद करेगी, ठीक है। मीनवाइल हमारे पास पिकन नट हैं, ये मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा नाश्ते में, तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। आवाज़ आ रही होगी मशीन में ब्रू होने की, अच्छा अगर दिखा सके तो। और नीचे कॉफ़ी आना शुरू होगी माशाल्लाह। तो हमारी कॉफ़ी रेडी हो रही है और ये जो है ना वो अखरोट की तरह के होते हैं पिकन नट, बड़े टेस्टी होते हैं, तो ये भी हम करेंगे। साथ हमारी ब्यूटीफुल बनाना ब्रेड है, घर की बनी हुई खुद बनाते हैं और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है। जिन लोगों ने खाई उन्हें तो पसंद आई और हमें भी बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो ये एक सिग्नेचर बनाना ब्रेड है हमारी, जो हम नाश्ते में तैयार रखते हैं और करते हैं। कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी है, इसका अरोमा ये आपको धुआं नज़र आ रहा होगा इसका। मशीन का फ़ायदा ये है कि कॉफ़ी रेडी हो जाती है और नीचे हॉट प्लेट होती है और वो गर्म रहती है। तो आप यानी थोड़ी देर के बाद अगर कॉफ़ी मज़ीद लेना चाहें तो आप वो गर्म कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत लंबे अरसे तक कॉफ़ी पड़ी रही तो फिर टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, तो आपने अर्ली यूज़ करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि मशीन ने ब्रू कर ली है, ऑलमोस्ट डन है। अभी इसकी आवाज़ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि तकरीबन हम डन हैं। मीनवाइल में बनाना ब्रेड को भी हम एक पीस उसका काटते हैं। अभी बहुत सॉफ्ट है माशाल्लाह और इसका जो टेस्ट है वो अमेजिंग है। आपको अंदर से भी इसका पीस करके मैं दिखा देता हूँ, बहुत फ्लफी किस्म की है। आप देखें स्पॉन्ज इसका इतना सॉफ्ट है माशाल्लाह, हाथ लगाने से मज़े की बनाना ब्रेड घर की माशाल्लाह साफ सुथरी। तो कॉफ़ी हमारी रेडी है ना, हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे, आप लोग भी अपना नाश्ता करें और एंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सबको खुशी को महसूस करने और उसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।
हमारी मजेदार कॉफी रेडी है जनाब।